नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपको आपके लाइफ के छोटे छोटे ऐसे सीक्रेट्स बताने के लिए एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली, जो आपकी लाइफ में बहुत हद तक पॉजिटिविटी लाते हैं और आपकी लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों को दूर भी करते हैं। सो एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे इस शो पर फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा का। जी प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शो पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, हम ये शो तो लेकर आते ही हैं, लोगों के बारे में भी हम सीक्रेट बताते हैं, लेकिन अगर आज हम आपके सीक्रेट की बात करें तो आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत अलग सी है, चेहरे पर ही इतना तेज है, पता लगता है कि आपको बहुत हद तक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है और 25 साल से आप काम कर रहे हैं। सो इसके पीछे क्या सीक्रेट है आपका? पहली बात तो ये है कि ये जो एनर्जी आती है ये हमारे बुध और चंद्र से आती है। बुध ग्रह बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छा करने के लिए वो मैं आपको उपाय बताता रहूँगा अगर आप यही एपिसोड ऐसे ही देखते रहोगे। और चंद्र से आती है मन स्ट्रोंग होना चाहिए, जिसका मन स्ट्रोंग है उसने तो पूरे जग को जीत लिया। और कभी भी मत भूलिए शुक्र ग्रह को जरूर स्ट्रोंग कीजिए, ये जो हंसी आती है शुक्र ग्रह से ही आती है, इसको कभी मत डाउन होने दीजिए। शुक्र को ठीक करने के लिए वो भी मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताते रहूँगा। ये तीनों ही ग्रह मेरे ठीक हैं जी, बिल्कुल, यानी कि तीन ग्रहों का सीक्रेट है जो आज हमें प्रोफेसर साहब ने बताया। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सीक्रेट हम अपनी लाइफ में लेकर आएं ताकि आप जैसी एनर्जी और आप जैसा तेज़ हमारी भी लाइफ में रहे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि प्रोफेसर साहब हर कोई बाहर काम करने जाता है, मज़ा नहीं आता जब लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते। हम ऑफिस में जा रहे हैं, हर कोई हमसे उखड़ा रहता है, अगर किसी काम पे जाते हैं तो वो काम नहीं बनते हैं, तो ऐसे में जो काम करने का मज़ा है, जो अपनी ज़िंदगी का मज़ा है, वो हम नहीं ले पाते। तो अगर ऐसी लाइफ हो कि लोग हमसे जुड़े, हम काम करने जा रहे हैं, हमारे काम बने, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक अद्भुत नज़ारा ही होगा जब ऐसी लाइफ हमें मिलती है। मुझे लगता है कि आपकी भी ऐसी लाइफ है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं शो के माध्यम से या और जहां और भी चैनल्स में जो आप शोज़ करते हैं उनके माध्यम से, अपने खुद के काम के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है तभी ये इतने सालों से इतनी स्वच्छता के साथ, इतनी ऑनेस्टी के साथ है, जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी जी बिल्कुल दर्शकों, इनका सिर्फ काम ही नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है जो वो आप तक पहुँचाए। सो आज इस शो पर हम कुछ ऐसी परेशानियों की बात करेंगे जो हमारे लिए एक सच में रहस्य है, एक सच में सीक्रेट है। क्या हमारे जो शारीरिक कष्ट हैं इनके आने के पीछे भी कोई सीक्रेट है कि क्यों आते हैं, किन ग्रहों की वजह से आते हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो आज बात की मैंने शुक्र और चंद्र और बुध की, ये तो आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, लेकिन जो तेज की इन्होंने बात की वो सूर्य और मंगल को भी साथ में लाता है। कभी भी मत भूलिए ये जो रोग है वो भी इनसे ही आते हैं। जैसे कि शुक्र की बात की, ये चमड़ी के जितने भी रोग हैं शुक्र ग्रह से आते हैं। और शुक्र ग्रह हमारा कैसा है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कहीं केतु के साथ आ गया या राहु के साथ आ गया या पंचम घर में, पंचम घर किसका है, सूर्य का, या सूर्य के घर में आ गया शुक्र ग्रह और उसको कोई भी बुरा ग्रह देखने लगा, पापी ग्रह के साथ बैठ गया, तो समझ लीजिए कि स्किन प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसे में बहुत से ग्रह ऐसे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि आपकी लाइफ को ख़राब तो करते ही करते हैं, ज़िंदगी भी बना सकते हैं, ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। और ऐसे रहस्यों को धीरे धीरे खोलता रहूँगा मैं, देखते रहिए आप। आज मैं बात करूंगा शुक्र ग्रह की। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि चमड़ी के रोग आ सकते हैं या शारीरिक कष्ट आ सकते हैं, क्या और होता है प्रोफेसर साहब कि हर कोई अपनी कुंडली समय समय पर नहीं दिखाता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये ग्रह आ रहा है या ऐसे रोग आ रहे हैं? क्योंकि कोई कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें, कुछ इंडिकेशन हमें मिलते हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारे रोज़मर्रा के ऐसे कामों से जिसे पता लगता है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव पावर है जो वो हमारे ऊपर मंडरा रही है। मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जितने भी हमारे घर होते हैं हर एक हाउस 30 डिग्री का होता है, और ये जो 30 डिग्री का हाउस होता है वो अलग अलग जो हमारे ग्रह होते हैं उसका टाइम पीरियड होता है। जैसे कि शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन 30 डिग्री में रहता है, ऐसे ही जब भी शुक्रदेव आपके 8th हाउस में से गुजरेंगे, 6th हाउस में से गुजरेंगे, 12th हाउस में से गुजरेंगे, कौन से घर से
ऊपर से गुजर रहे हैं, वो कौन सी राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं, वो आपको अलग अलग दुख देंगे या सुख देंगे। ये शुक्र देव ही है सभी खुशियाँ लाते हैं, ये शुक्र देव ही है जो यूरिन के रिलेटिव प्रॉब्लम देते हैं, स्किन के रिलेटिव प्रॉब्लम देते हैं, जो लड़कियों को प्रॉब्लम होती है शुक्र और चंद्र से होती है। ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको बताता रहूँगा। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि हमारे ग्रहों के ही कॉम्बिनेशन यानी कि उनके योग ऐसे बनते हैं जो हमारी ज़िंदगी में शारीरिक कष्ट लेकर आते हैं। बहुत ज़रूरी होता है अगर इनका कारण हमें पता लगे और इनकी अगर हम पूजा अर्चना कराएं तो बहुत हद तक हम अपने शारीरिक कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर प्रोफेसर साहब हैं या ये डॉक्टर बन गए या हम डॉक्टर बन गए या एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर होगी है, डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में प्रोफेसर साहब? ये जो आपका शरीर बना है हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही जाएगा। लेकिन इसमें 7 ग्रह हैं, राहु और केतु को भी बीच में डाला है, 12 राशियां हैं, और उसके हिसाब से देखिए आपका शुक्रदेव कहाँ पड़ा है। स्किन प्रॉब्लम क्यों दी? अगर साथ में मेडिसिन तो ले रहे हो लेकिन आराम नहीं आएगा अगर शुक्रदेव का इलाज नहीं करवाया तो। आपने कई दफ़ा देखा होगा, मैंने कई दफ़ा ऐसे केसेस देखे हैं जिसको फ्लैरी बोलते हैं, वाइट वाइट दाग शरीर के ऊपर आ जाते हैं, ये शुक्र की ही देन होती हैं और साथ में चंद्र भी होते हैं। ऐसे जब भी बीमारियां लगती हैं तो बड़ी दूर तक चलती हैं, 20-20 साल। तो उसमें आपको पता नहीं होगा वैद्य का सहारा लिया जाता है। वैद्य ही क्यों? क्योंकि उसमें जो चीज़ें डलती हैं वो शुक्र से रिलेटिव होती हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, आज ही कीजिए, फिर बताइए कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है। आपको पता चलेगा कि वाकई में ये डॉक्टरी के साथ साथ ये भी एक जगह पे डॉक्टरी दर्शाती है। अगर आपको चमड़ी का रोग है, अगर आपको चमड़ी का रोग है, कैसा भी रोग, चल मान लीजिए कि आपकी चमड़ी जल गई है, उसका दाग नहीं जा रहा, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, शुक्र से इलाज बताऊँगा। जो आपका यूरिन होता है ना, ये भी शुक्र होता है। और सुबह सुबह उठते ही रुई लीजिए, अपने यूरिन को उस जले हुए दाग पे लगाइए, देखिए 15 दिन के अंदर अंदर दाग कहाँ चला गया। फिर आप हैरान हो जाओगे कि ऐसे ज्योतिष से भी इलाज किए जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे उपाय हम इस शो पर दर्शकों आपको बताएंगे, यानी कि ऐसे सीक्रेट्स बिल्कुल प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जो ना कि हमने कभी पहले सुने हैं, ना हमने कहीं से परखे हैं और ना इनका कभी एक्सपीरियंस किया है। सो इसीलिए शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि इस शो पर हम सीक्रेट्स ही आपको बताएंगे कि ऐसे भी उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। बात चल रही है यहाँ पर हमारे शरीर के रोगों की, कौन से रोग कौन से ग्रहों की वजह से आते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? कौन सा ग्रह कौन से रोग को जो है इनवाइट करता है? क्या वो नीच का होता है तब इनवाइट करता है, या वो उच्च का होता है तब उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, खास करके शारीरिक कष्टों के बारे में? आज शुक्र की ही बात की है तो मैं शुक्र के ही बीमारियाँ बताऊँगा और शुक्र की से ही इलाज बताऊँगा। जैसा कि डायबिटीज जो होती है ये भी शुक्र से ही आती है। शुक्र जब भी 8th हाउस में आता है, 8th हाउस हमारा किसका होता है? काल पुरुष की कुंडली से मंगल का, और जो हर्ष का कर्ता धरता है वो शनिदेव होते हैं। जब वहाँ पे शुक्रदेव आते हैं तो घर में किसी ना किसी को डायबिटीज जरूर होगी। किसी को हो सकता है, बड़े बुजुर्गों को, क्योंकि पैतृक संपत्ति का घर भी हमारा शुक्र, ये 8th हाउस है, हो सकता है कि बड़े बुजुर्गों को घर में शुगर जरूर होगी। इसका एक इलाज, शुक्र को ठीक कीजिए। जैसा कि फर्स्ट फ्लोर पर रहना शुरू कीजिए, शुक्र वहाँ से ऊपर चला जाएगा, 12वें हाउस का हल देगा, और 12वें हाउस में शुक्र उच्च का माना जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि शुक्र की वजह से हमें डायबिटीज़ की जो है प्रॉब्लम आती है, लेकिन शुक्र में भी मिठास है तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मिठास से जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये अच्छा ना बैठा हो। तो यानी कि इनका उपाय करके हम डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उसे हम दूर कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, क्या होता है कि किसी को जो डायबिटीज़ है वो जन्म से है, ठीक है, इंसुलिन पे है, इतनी हद तक जो डायबिटीज़ है वो जा चुकी है, तो क्या ऐसे उपायों से हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं या हम बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं? अगर आप डॉक्टर का सहारा तो लेते हो, साथ में ज्योतिष का सहारा भी लेते हो,
और गारंटी से इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन क्या करना है आपने, कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। ये जो शुक्र है ना, डायबिटीज़ है, इसको सूर्य और मंगल, शहद ही ठीक करेगा। जो शहद होता है वो सूर्य और मंगल होता है। जब आप सुबह सुबह उठते ही दो बूंद शहद की लोगे और 15 मिनट के लिए वॉकिंग करोगे तो क्या होगा, पेट की अंतड़ियों की वर्जिश होगी। इससे क्या होगा, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर आप ये मत कहना कि हमें तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन जो चल रही है वो चलाइए, साथ में ये भी उपाय करके देखिए, देखिए डायबिटीज़ कैसे जाती है। जी बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर हम उपाय बता रहे हैं, हम आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम उन ग्रहों का इलाज कर रहे हैं जिन ग्रहों की वजह से, जिन प्लैनेट्स की वजह से आपके शरीर में ये रोग आए हैं। तो अगर कहीं ना कहीं वो ग्रह पॉजिटिविटी देंगे तो इन रोगों से भी आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। हम नहीं चाहते कि हम आपको नहीं ये प्रेरित करते कि आपके जो मेडिसिन चल रही हैं आप उसे छोड़ दीजिए और आप यही उपाय कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना प्रोफेसर साहब कह रहे हैं और ना मैं कह रही हूँ। सो ग्रहों की वजह से बीमारियाँ आती हैं, सो ग्रहों का इलाज जो है यहाँ पर प्रोफेसर साहब आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से ग्रह होते हैं जो एक नेगेटिव तौर पर हम देखते हैं। राहु केतु की अगर हम बात करें प्रोफेसर साहब, तो राहु केतु भी क्या हमारे किसी बीमारी को हमारे शरीर की इनवाइट करते हैं अगर वो सही नहीं बैठ रहे हैं हमारी कुंडली में? चंद्र और राहु का मेल, ये जो दौरे होते ना मिर्गी के, ये चंद्र और राहु से ही आते हैं। जितने भी दिमाग के रिलेटिव बीमारियां होंगी ये राहु का ही षड्यंत्र होता है। जितनी भी कैंसर से लेकर आपके खून में प्रॉब्लम आ गई ये केतु से ही आती है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे खून से रिलेटिव होती हैं, ये केतु देव करते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे माइंड चंद्रमा से, दिमाग बुद्ध, ये सारा राहु का षड्यंत्र है। और राहु और केतु दोनों को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। ये बहुत आसान उपाय होते हैं राहु केतु के, वो आपकी कुंडली देख के पता चलेगा राहु बीमारी दे रहा है या केतु बीमारी दे रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि कुंडली को एक बार एनालिसिस ज़रूर करवाइए। अगर आपकी ऐसी कोई भी बीमारी है, कोई भी शारीरिक कष्ट है जिससे आप काफ़ी हद तक परेशान है, तो दर्शकों आप एक बार अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवाइए, उसको देखिए, प्रोफेसर साहब से आकर मिलिए, तो हो सकता है आप अपने ग्रहों के इलाज से, अपने उस माध्यम से अपने शारीरिक कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। अब जिस रोग की मैं बात करना चाहूँगी प्रोफेसर साहब, वो आम देखने को मिलता है हमारे बुज़ुर्गों में, तो घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द अक्सर काफ़ी परेशान करता है। अगर मतलब उनके मतलब उनको अपने ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर खिलाने की जो उनकी उम्र होती है वो इतना इन्जॉय नहीं कर पाते अपने पोतों के साथ, अपने पोतियों के साथ, अपने नातिन या नातियों के साथ, क्योंकि घुटनों का जो दर्द है या जोड़ों का दर्द है अक्सर बुज़ुर्गों को काफ़ी हद तक परेशान करके रखता है। तो इसका क्या इलाज है, कौन से ग्रह से जो है जोड़ों का दर्द आता है? जो जोड़ों का दर्द होता है, पहली बात तो ये हड्डियों का कारक है सूर्यदेव। जब कहीं सूर्यदेव खराब होता है, जो जितने भी ज्वाइंट होते हैं हमारे वो केतु और चंद्र से आते हैं। अब आप बोलोगे केतु और चंद्र ज्वाइंट का कारक कहाँ से आ गया, देखिए किसकी कुंडली में चंद्र और केतु का मेल है। टांगों में दर्द, मदर परेशान, नानी परेशान, टांगों में दर्द रहेगा, खासकर अगर ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस में है तो। जो जोड़ों का दर्द, जो हमारे घुटने होते हैं वो शनि से आते हैं, शनि देव को भी साथ में देखना पड़ेगा वो कहाँ पे बैठे हैं, कहीं वो तो नहीं पापी होकर बैठे। अगर वो भी साथ में बैठे हैं तो जोड़ों का दर्द रहेगा, घुटनों में हमेशा ही दर्द रहेगा। इसके लिए बहुत आसान उपाय है शनि देव को मनाना। सबसे पहली बात तो ये है कि चंद्र और केतु का मेल तो नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो शनिदेव पापी बैठे हैं और सूर्यदेव कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है सूर्यदेव के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है, राहु देव। जब भी राहु के साथ सूर्य आता है तो सूर्य को ग्रहण लगता है, तब भी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मैं बताता रहूँगा, लेकिन इसके इलाज बहुत आसान है, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। जी बिल्कुल, अगर हम उपाय की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बोला कि जिनका सूर्य जो ग्रह है वो नहीं ठीक है, तो ऐसे जातक को जो हड्डियों का जो रोग है वो लग सकता है या जोड़ों का रोग लग सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं अलग अलग ग्रहों के साथ,
तो ऐसा कौन सा एक मात्र उपाय है या एक बड़ा साधारण सा उपाय है जिसे हम रोज करना चाहिए ताकि हम अपनी हड्डियों को, जोड़ों के दर्द को थोड़ा सा राहत दे सकें और हमारी हड्डियां जो स्ट्रांग हो सकें? हड्डियों को स्ट्रांग करने के लिए ये जो गेहूं होता है ये सूर्य होता है। गेहूं जितनी भी हमारी, गेहूं के ऊपर लेटिए, कम से कम कपड़े डाल के, तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। ये जो विटामिन डी है ना, ये भी डॉक्टर भी बोलते हैं आप कम लेते हो, क्योंकि धूप तो हम लेते नहीं हैं तो विटामिन डी तो कम होगा। विटामिन डी जब कम होता है, हड्डियों का टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं, पैर की उंगलियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, तब विटामिन डी होते ही कमी होती है। धूप सूर्य देवता फ्री में देते हैं, आप कभी नहीं लेते, ये भी लेना शुरू कीजिए, इससे आपको विटामिन डी की पूर्ति होगी। और बहुत से ऐसे, जैसे कि हम हड्डियों का सबसे आसान और सबसे छोटा शॉर्टकट उपाय बताता हूँ आपको, जब भी चंद्र भी कहीं ना कहीं खराब होता है तब भी ऐसे होता है, सबसे आसान उपाय ये है कि कच्चे दूध की मालिश करके नहाइए, सभी ग्रह ठीक होंगे और सभी आपके जो बीमारियां वो ठीक होंगी, क्योंकि 7 ग्रह ठीक होते हैं एक चंद्र का उपाय करने से। जी प्रोफेसर साहब, अब अगर हम आंखों की बात करें, जी बिल्कुल, आंखें एक भगवान का ऐसा दिया हुआ वरदान है जो इतनी खूबसूरत प्रकृति को महसूस करता है। जिसकी आंखें ना हो, मुझे लगता है कि वो हमेशा हमारे लिए एक अभिशाप रहता है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत सृष्टि को हम महसूस नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते। सो आंखों का जो रोग है ये, या ब्लाइंडनेस होगी, आंखें खराब होगी, या आजकल काफ़ी बीमारियां चली हुई, तो क्या वो भी शुक्र ग्रह से आते हैं? क्योंकि आंखें सुंदरता देखते हैं, शुक्र ग्रह इसका बहुत बड़ा प्रतीक है, तो क्या हम कह सकते हैं ये? ग्रह के बारे में तो आपने बता दिया, क्योंकि आंखें शुक्र से ही आती हैं, लेकिन जो लाइट है वो कहीं ना कहीं चंद्र से भी आती है। शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन है ये जो आंखों की लाइट होती है। लेकिन ये जो शुक्र देव हैं, जब भी खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी कभी कुछ हो सकता है कि आपकी आंखों की लाइट कम हो जाए, हो सकता है कि आपकी आंखों में कभी छोटी सी कहते हैं रड़क होनी शुरू हो गई, तो उससे क्या होता है, उससे भी आपका शुक्र और सूर्य का बीच में रोल होता है। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जब हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते कि हम मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन अभी तक आराम क्यों नहीं आया। तो आपको एक छोटा सा मात्र उपाय बताता हूँ, कोई भी रोग हो आँखों का, कहते हैं हमारे भीतर ही सब कुछ है। ये जो वैदिक होते ना, वैदिक जो हमारी ज्योतिष तो करते हैं, लेकिन जो हमारे वैदिक वेद होते हैं पुराने, वो मेडिसिन देते हैं, उनसे मैंने एक छोटा सा नुस्खा देखा था और अप्लाई भी किया और पता चला ये कौन से ग्रह से आता है, अभी बताता हूँ आपको। ये जो हमारी थूक होती है ना, ये हमारे चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, तो जो हमारा आँखों का रोग वो भी उसी से ही आता है। तो रात की थूक को अगर हम आंखों में डालेंगे तो चंद्र और शुक्र जैसे ही ठीक होगा, चाहे आंखों की कितनी भी बीमारियां हों वो दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ऐसा नुस्खा सच में हमने ना कभी सुना था और ना कभी हमने किसी से पढ़ा है। तो ये ऐसे से सीक्रेट्स हैं दर्शकों, आपको इनसे ही अंदाज़ा लग जाएगा कि यही हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ जो हम इस शो पर आपको बता रहे हैं, कि आपकी छोटी छोटी बातों में भी एक ऐसे सीक्रेट, एक ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियों को काफ़ी हद तक दूर कर देते हैं। काफ़ी रोगों के बारे में आज इस शो पर हमने चर्चा की है। प्रोफेसर साहब, क्या होता है कि कभी किसी की शादी हुई, उसके बाद कोई बीमार पड़ना शुरू हो गया, किसी नए घर में उन्होंने प्रवेश किया तो कोई ना कोई बीमार रह ही रहा है, यानी कि बीमारी उस घर से जा ही नहीं रही है। तो जब ऐसे बीमारियां अपना पैर पसार लेती हैं तो इसको क्या कहेंगे? अगर घर नया बनाया है तो वो आपने गलत बना लिया, वो तो वास्तु दोष का हो गया। अगर घर में नया मेंबर आया है तो उसका देखिए कहीं शुक्र तो नहीं खराब। अगर लड़की आई है तो उसका गुरु देखना पड़ेगा। अगर लड़का, अगर आपका जवाई आया आपके घर में तो उसका शुक्र देखना पड़ेगा। बहुत से ग्रह हैं जो हमको देखने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी मदर चंद्र से आती है, मैंने बताया।
कि जितने भी ग्रह होते हैं हमारे, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं या हमारे नज़दीक होते हैं, वो कौन कौन ग्रह किस किस से आते हैं। इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि घर में कौन सा मेंबर आया। जैसे कि हम बुआ के लड़के को ले आते हैं या बुआ की लड़की को ले आते हैं, या चाचा के लड़का या चाचा की लड़की, कौन सा आपके घर में मेंबर आ रहा है, उसी हिसाब से देखेंगे कि कौन सा ग्रह खराब हुआ। अगर वो ग्रह उसी नए मेंबर के आने से खराब हुआ तो समझ लिए कि वो ग्रह आपका खराब था, केतु आपका खराब है। जब भांजा घर में पैर रखा तो क्या हुआ, आपके घर में परेशानी आने शुरू हो गई। तो वो मैं आपको बताता रहूँगा कैसे ठीक करना है, आप देखते रहिए। बिल्कुल, यानी कि हमारे जो रिश्ते हैं वो भी किसी ना किसी ग्रह को जो है इंडिकेट करते हैं। सो अगर हम उन ग्रहों का इलाज कराएंगे, उपाय कराएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते भी जो हैं उनमें भी मिठास आती रहेगी। और अगर रही बात हमारे बीमार होने की, हमारे घर में परेशानी होगी, तो वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। दर्शकों, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी परेशानी है या कोई ऐसा रोग है या कोई ऐसी समस्या है जिनका इलाज आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे से आप इन परेशानियों से परेशान हैं, सो अब देर ना कीजिए, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान इनसे ले सकते हैं। इनके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इनका एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। आप शो के दौरान या शो के बाद भी इन्हें कॉल कर अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर से मिल रहे हैं या दूर से इनसे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन पर भी आप अपनी परेशानी संबंधी इनसे बात कर सकते हैं। वी मेक यू श्योर कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इनके माध्यम से उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और एक बड़े ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसका उपाय भी किया जाएगा। दर्शकों, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ इस शो पर हमारी कोशिश रहती है आपके ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं पर नज़र डालने की जो आप नहीं जानते, जिससे आप अनजान हैं और जिससे हम भी अभी तक अनजान थे। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं एक बार फिर से प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा का, फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, कम से कम 25 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल, काफ़ी छोटी उम्र से ही ये एस्ट्रोलॉजी में लग गए थे। इनके रहस्यों के बारे में जानने की उत्सुकता इन्हें आज यहाँ तक लेकर आई है कि ये इस उत्सुकता को जो बरकरार रखते हैं, आज भी रिसर्चेस करते रहते हैं और छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजी के जो रहस्य हैं या जो इनके सीक्रेट्स हैं या उपाय हैं वो लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। सो हम आज बात करें अपने शारीरिक कष्टों की, अपनी बीमारियों की। प्रोफेसर साहब, शारीरिक कष्ट तो बीमारियों से आते आते हैं, लेकिन एक्सीडेंट से आते हैं। अच्छा खासा हम काम पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, कुछ हो गया, कुछ ऐसा हाथ टूट गया, बेड रेस्ट पर चले गए, काम बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हो जाता है उसमें, तो क्या कहेंगे ये जो ऐसे योग हैं जिनसे हमें शारीरिक कष्ट आने होते हैं, खास करके एक्सीडेंट जैसे, इनसे कैसे बचा जा सकता है और किस ग्रह की वजह से ये आते हैं? मंगल, शनि और सूर्य, जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है, दृष्टि संबंध भी हो सकता है, तो क्या कहते हैं, सर्जरी जरूर होगी। और आपने कई दफ़ा देखा होगा कि एक जगह पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कोई भी गुजर रहा है उसको कहते हैं ये भारी हो गई, यहाँ पे गुरुद्वारा या मंदिर, कोई मस्जिद बना दो, धार्मिक स्थान बना दो, तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छी बात है, भगवान की चीज़ बनानी चाहिए वहाँ पे। लेकिन क्या होता है, मैंने कई दफ़ा देखा कि मेरे दो तीन भाई भी हैं जो मेरे से करते रहते हैं कि पंडित जी बताइए ऐसा कैसे होता है कि एक जगह पर 200 बंदा जा रहा था, 200 ही डेथ हो गई, ऐसा कैसे हो गया, 200 के ग्रह थोड़ी ना ख़राब हो गए। जी एग्जांपल, अगर हम जो एयर क्रैश हादसे होते हैं उनमें भी देखते हैं कि 200-250 पैसेंजर होता है प्लेन में, प्लेन क्रैश हो गया, सारे के सारे पैसेंजर्स मर गए। अब जैसे मलेशियन एयरलाइंस थी पीछे, वो पानी में डूब गई, पता ही नहीं चला कि कहाँ गई और इतने पैसेंजर्स जो हैं उसमें मारे गए। बहुत से ऐसे हादसे होते हैं, ट्रेन के हादसे होते हैं, तो क्या रहस्य है इनके? वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस जगह पर बुरे नक्षत्रों का मेल होता है, लेंगिट्यूड से लोटिट्यूड को मिलाइए, कौन से ऐसे नक्षत्र होते हैं जब वो वहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था गंडमूल के पानी और जब अग्नि मिलते हैं, बीच में नक्षत्र आवाज़ आती है, तो वो गंडमूल के नक्षत्र माने जाते हैं। इसी तरीके से जब हम मंगल और शनि का जिस नक्षत्रों पर मेल, जगह पर मेल होता है, तब ऐसे हादसे होते हैं। तो
एक जगह का रोल होता है, ना कि किसी एक बंदे के ग्रह का। हम बोलते हैं एक बंदा का ग्रह बुरे हो सकते थे, लेकिन 500 बंदे 200 बंदे के, वो जगह का दोष होता है। वो हम मेदिनी से बताते हैं। ऐसी बहुत सी स्टडियां हैं जिससे हम बता पाते हैं, जैसे केपी से भी पता चलता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे लिए अच्छा या बुरा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, मंगल शनि और सूर्य कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, तो सर्जरी का योग लिखा हुआ है। उसके लिए बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन साथ में मुझे ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में है, कौन से घर में है। जब भी ये योग होता है, हो सकता है किसी लड़की का हो, अगर लड़की का होगा तो बच्चा होते वक्त भी ये काम हो सकता है, बच्चा सर्जरी से होता है तो दोष खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत से होते हैं, लेकिन कौन सी कुंडली में है, कौन से घर में है, ये आपको मैं बताता रहूँगा। लेकिन कुंडली तो मुझको देखनी ही पड़ेगी ना, राशि भी साथ में देखूँगा, डिग्री भी देखूँगा, कहीं सूर्य की डिग्री के बीच में आ रहा है। सूर्य 15 डिग्री तक मात करता है, आप सबको पता है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ कि कैसा आपका योग बन रहा है, फिर उपाय तो बहुत आसान है। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं एक नक्शे के अकॉर्डिंगली, लैंग्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली या एटीट्यूड के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे ऐसे योग बनते हैं एक्सीडेंट्स के, और उस योग से या उस जगह से जो भी गुजरता है, जितने लोग भी एक साथ गुजरेंगे, वो उस समय मारे जाएंगे। ये बहुत बड़ा आज सीक्रेट इन्होंने हमें बताया। सो कैसे बचना चाहिए? हम सफ़र पर निकलते हैं, हम भी चाहेंगे कि हम भी किसी ऐसी जगह से ना गुजरें जहाँ पर ऐसा कुछ होता हो, और अगर गुजर भी जाए तो उसका असर हम पर ना हो, तो ऐसा कौन सा उपाय है प्रोफेसर साहब? पहले तो जब भी सफ़र पे निकले, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन जरूर पूछिए कि हमारा सफ़र कैसे रहेगा। वो आपको बताएगा फोर्थ हाउस से लेकर फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक कि आपकी यात्रा कैसी रहेगी। फिर वापसी की भी पूछिए, वो टेंथ हाउस से। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको बताते रहेंगे। अगर अच्छा सफ़र गुजारने के लिए छोटा सा एकमात्र उपाय, जब भी आप घर से निकलिए तो देखें आपकी कौन सी नस चल रही है, वो पांव पहले बाहर निकालिए तो आपका सफ़र अच्छा जाएगा। जी बिल्कुल रिश्को, यानी कि ये छोटे से उपाय जो हैं वो अगर करें तो काफ़ी हद तक हम ऐसे जो खतरे हैं उनसे बच सकते हैं। प्रोफेसर साहब, इसके अलावा जो घर में शादियां होती हैं, बारात जा रही है, दूल्हा जा रहा है दुल्हन को लेने, या दुल्हन घर से विदा हो रही है, तो क्या ऐसे टाइम पे भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए? ऐसे टाइम में बहुत ज़रूरी है एहतियात बरतना। वो इसलिए क्योंकि जब कि कोई मेंबर आपके घर में आने वाला है तो आपका वो ग्रह बढ़ने वाला है। कौन सा मेंबर? जैसे कि शुक्र आने वाला है या गुरु आपके घर में और बढ़ने वाला, जब अगर आपका जवाई है तो गुरु, अगर शुक्र है लड़की है तो। इसलिए कौन सा ग्रह आपका, अगर शुक्र पहले से बहुत ख़राब है तो समझिए कुछ ना कुछ खराब इंडिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अगर आपका गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब है तो समझिए एक गुरु और साथ में मिल गया तो क्या होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कुंडली देख के ही पता चलेगा कि आपको अच्छा है आपके लिए या बुरा है, वो आपको मैं बताता रहूँगा। पहले पर देखना पड़ेगा कि आपका लग्न कौन सा है, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। सो प्रोफेसर साहब, समय इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और ज्ञान आपसे ले सकें, लेकिन मैं चाहूँगी आप एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दर्शकों को दे, क्या कहना चाहेंगे? आज का मैसेज यही है कि हम समय समय पर तो ज्योतिष के पास नहीं जा सकते, लेकिन साल में एक दफ़ा ज़रूर ज्योतिषी के पास जाएं। कब? जब आपका जन्मदिन आने वाला हो। वर्ष फल जरूर बनाइए, क्योंकि वर्ष फल से ही पता चल जाता है अगला साल कैसा होगा, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या घटित होने वाला है। और सबसे आसान उपाय होते हैं वर्ष फल के, आप दिखाइए फिर देखिए कैसे चलती है आपकी लाइफ। साहब, इस शो पर आने के लिए और अपना कीमती समय इस शो को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, आपको आपकी जिंदगी के कुछ और सीक्रेट्स के बारे में जानकारी देने के लिए। नमस्कार।